तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रेंगल्स। ओके सो ट्रेंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। हम बताएंगे कि ट्रेंगल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और बेसिक एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। ओके सो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। ओके सो हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेंगल। ओके ओके ट्रेंगल्स। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, है ना, ट्रेंगल तो आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन इसको बोला जाता है। ओके इसको क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ओके क्योंकि पॉलीगन ट्रेंगल है हमारा। ओके अगर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ओके दोस्तों यहाँ पे तीन एंगल होंगे, तीन आर्म्स होते हैं इसके, तीन वर्टेक्स होते हैं। ओके आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीन क्या होते हैं, वर्टेक्स तीन होते हैं। ओके तीन क्या होते हैं, आर्म्स भी होते हैं, आर्म से साइड बोल सकते हैं, और थ्री क्या होते हैं, एंगल्स भी होते हैं इसके। ओके दोस्तों थ्री एंगल्स भी होते हैं इसके। ओके इसको स्मॉलेस्ट पॉलीगन बोला जाता है। पॉली मींस क्या होता है? पॉली एंड गॉन। ओके पॉली मींस क्या होता है? मेनी। ओके और गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स। ओके जिसके बहुत सारे साइड्स है और इनक्लोज फिगर होना चाहिए। ओके तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेंगल का क्या है, ट्रेंगल का इनक्लोज फिगर है जिसके साइड्स है, तीन साइड्स है। ओके सो ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है हमारा। ओके पॉलीगन सीरीज का ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ओके दोस्तों सो यहाँ पे हम ट्रेंगल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके दोस्तों सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका, कि ट्रेंगल का किसी भी दो साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल, ओके सो ट्रेंगल का क्या प्रॉपर्टीज है दोस्तों, अगर हम किसी भी दो साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे, ओके फॉर एग्जांपल सी प्लस डी, ओके तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके तो ये ग्रेटर देन बी होगा। ओके अगर ए प्लस बी करेंगे तो ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों तो सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होगा। ओके एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके दोस्तों ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अब देख पा रहा हूँ इसमें से कौन कौन ट्रेंगल पॉसिबल है। होपफुली ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, सिक्स हो गया, लेकिन ये स्मॉलर देन सेवन ज्यादा बड़ा हो गया। ओके दोस्तों ये ट्रेंगल क्या हो गया, पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इसको कंपास से कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाओगे। ओके ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ओके सिमिलरली आपके पास ये ट्रेंगल ए वाला है। ओके 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 60 है। ओके ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इसको कंपास से जब ड्रॉ करोगे, ओके तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। ओके नॉट पॉसिबल। ओके लेकिन ये पॉसिबल होगा। ओके अब देख पा रहे होंगे 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 7। ओके ग्रेटर देन 5 है। ओके दिस इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 हो गया। ओके अगर आप 5 प्लस 3 ले लो, 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 हो जाएगा। ओके 8 इज ग्रेटर देन 4 हो गया। ओके सिमिलरली अगर आप 4 प्लस 5 ले लो तो इक्वल टू क्या हो गया, 9, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंगल ए वाला ट्रेंगल हमेशा पॉसिबल है। इसी प्रॉपर्टी से हम कुछ वेरिएंट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या वेरिएंट होगा, सपोज आपके पास एक इसको हम ले लेते हैं। ओके दोस्तों इसको बाहर ले लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होता है। ओके दोस्तों से यहाँ पे हम दोनों साइड में ए प्लस बी फिर से ऐड करेंगे, ए प्लस बी हो गया प्लस ए प्लस बी। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस ए प्लस बी। ओके दोस्तों से यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके प्लस बी इज ग्रेटर देन इसको क्या देख सकते हैं, ए ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, ये पेरीमीटर है इस ट्रेंगल का, क्या है पेरीमीटर ही तो है। ओके सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके सही क्या होगा, पेरीमीटर हो गया। ओके सो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी बाई टू। ओके दोस्तों आप समझ पा रहे हैं इसको। ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी बाई टू हो जाएगा। ओके दोस्तों तो यहाँ पे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन पी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ओके दोस्तों पी बाई टू को हम हमेशा सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ये क्या हमारा सेमी पेरीमीटर। ओके सेमी पेरीमीटर। ओके दोस्तों सो ये एक रिलेशन है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। ओके ये नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके सो एंगल के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ओके एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ओके ट्रेंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में सपोज आपके पास एक ट्रेंगल है, ओके ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे सी। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सी हमारा लार्जेस्ट साइड होगा। ओके हम जितने भी ट्रेंगल्स पढ़ेंगे सी हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट साइड होगा। ओके सी इज द लार्जेस्ट साइड। ओके ओके दोस्तों सी हमारा लार्जेस्ट साइड होगा। ओके दोस्तों से एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि सारे एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। ओके एक्यूट होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अगर ये अगर 60 है, ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। ओके दोस्तों तो इस तरह से मतलब ओके ए 60 हमारा तो ए भी 60 हो जाएगा, ए भी 60 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओके ये क्या है, सारे एंगल्स क्या हो गए हमारे, एक्यूट हो गए। ओके लेस देन 90 डिग्री होंगे। ओके और एक और रिलेशन यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर होता है। ओके दोस्तों ओके एंड द सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रेंगल। ओके राइट एंगल ट्रेंगल। ओके दोस्तों राइट एंगल ट्रेंगल कैसा होता है, ये बिल्कुल देखने में ऐसा होगा। ओके दोस्तों ऐसा होगा, इसका एक एंगल होता है ना 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है और दूसरा एंगल कुछ भी हो सकता है, दूसरा एंगल 30 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, व्हाटएवर। ओके सो ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ओके और इसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये है ए सी है, ओके लार्जेस्ट साइड, ओके ए बी एंड सी है। ओके दोस्तों से यहाँ पे एक रिलेशन और वैलिड करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। ओके दोस्तों ये रिलेशन तीनों में आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके
सो दोस्तों हमारे पास एक थर्ड टाइप का ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ओके दोस्तों, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन सकता है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना, जो 90 डिग्री से बड़ा है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो सकता है मे बी 120 डिग्री भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे सपोज अगर ए है, ए बी है और ए सी है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा। ओके दोस्तों, ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको एक चीज तो बताया आपको कि ए रिलेशन तो हर जगह वेरी है कि ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ओके, ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, एंड ए प्लस सॉरी बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ओके, ए रिलेशन ये तीनों में वैलिड है। ओके, ए रिलेशन ये तीनों में वैलिड है, लेकिन जो स्क्वायर वाला रिलेशन है ये तीनों में अलग अलग है। ओके दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीनों में ये जो स्क्वायर वाला जो प्रॉपर्टीज है ये तीनों में अलग अलग है। ओके दोस्तों, ओके, सो ये जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके दोस्तों, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारे ट्रायंगल का, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, सो हमारा पहला टाइप क्या है, स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलिस ट्रायंगल, एंड तीसरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, ये ए है, ये बी है और इसी है, एक है साइड्स का लेंथ है। ओके दोस्तों, ये साइड्स का लेंथ है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ना ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, चार तीनों साइज इसके बराबर नहीं होंगे, है ना। ओके, और ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, सपोज। ओके, देन एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके दोस्तों, ना तीनों एंगल बराबर होंगे ना तीनों साइड्स इसके बराबर होंगे। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट, कि इसके जो ए साइड और ए साइड बराबर होते हैं, सपोज अगर ए है तो ए भी ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हम इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, और ये क्या हो गया बस सी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो और ये ए है, बी है एंड सी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा फर्स्ट थिंग। ओके, लेकिन नॉट इक्वल टू सी होगा। ओके, एंड एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी। ओके, लेकिन नॉट इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, अगर दो साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये एंगल और ये एंगल, देखिए इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये है, और इस साइड ये भी साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला है, सी है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अगर ये है, ये बी है और ये सी है। ओके, यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके, अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, और बराबर होंगे और कितने होंगे, ये 3 180/3 हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके, सो मैं अभी लेटर ऑन डिस्कस करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट। ओके, सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो हम अलग अलग तरीका डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे हम एरियाज निकालेंगे। ओके, बहुत सारे फॉर्मुला से एरिया निकालने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जनरल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, इस तरह का, ओके, और ये आपका बेस है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ये साइड्स के लेंथ है। ओके दोस्तों, इसको अगर आप बेस मानते हो और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है। ओके, और इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ से जो यहाँ तक हाइट है, वो क्या है, एच है, मीन्स ये वाला हाइट क्या है, एच है आपका। ओके, सो आपका एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, ये क्या आपका, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ओके, ये कैसे आता है फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 ए एच हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, एक रेक्टेंगल है, ओके, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है और ब्रेथ क्या है, बी है। ओके, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके दोस्तों, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम बेस को ऐसे रखें, ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे कर दें, ओके, टिल्ट कर दें, इसको हम थोड़ा सा आगे कर दे, टिल्ट कर दे। ओके दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसका ब्रेथ थोड़ा तो डिक्रीज होगा। ओके, सो लेंथ तो सेम है। ओके, अब इस केस में हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसका हाइट निकालेंगे। ओके, ये वाला जो दूरी जो है हमारा, ओके, ये वाला जो दूरी है इसको हम निकालेंगे। ओके, ये हमारा मान लीजिए अगर एच है, ओके, एच है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू एच। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट होता है। ओके, सो सिमिलरली आपके पास अगर एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल है आपके पास, ओके, सो अगर आप इसको फर्दर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे करोगे, तो आप इसको पाओगे कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। ओके, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। अगर इस पैरेललोग्राम का हाइट अगर, ओके, हाइट अगर एच है, ओके, और ए वाला लेंथ अगर ए है, ओके, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा एच, ओके, या ए इंटू एच हो जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा। ओके, लेकिन आप देख पा रहे होंगे पैरेललोग्राम तो पूरा है, लेकिन ट्रायंगल क्या है, आधा में ही ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल तो हमारा इतना ही है ना, और ये जो आधा जो है तो फालतू में है। ओके, इसको हम आधा से डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा
ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ऐसे बन जाता है ओके दोस्तों, इसमें हाफ जुड़ जाता है ओके, ट्रायंगल है और जिसका ये एज तो ऐसे 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 होगा ओके, कुछ भी हो सकता है ओके, लेकिन ये साइड आपका ए है, ये साइड आपका बी है ओके, और ये वाला एंगल आपका थीटा है ओके, ये एंगल क्या है आपका थीटा है ओके, सो इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, इसका एरिया का फॉर्मूला होगा सिंपल सा 1/2 ए जो है ए बी साइन थीटा ओके दोस्तों, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा ओके, ये कैसा है अभी मैं आपको बताऊंगा ओके, कैसा है फॉर एग्जांपल ये आपका एच होगा ओके, ऑब्वियसली एच होगा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होना चाहिए 1/2 इंटू, इसको अगर बेस लेते हैं और इसको हाइट लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए इंटू एच हो जाएगा होगा ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा एच हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बी होगा ओके, तो एच अपॉन बी आपका क्या हो गया साइन थीटा का वैल्यू हो गया ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एच की जगह में हम क्या लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, तो एच की जगह में क्या लिख सकते हैं बी साइन थीटा, एच के जगह में बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एच को बी साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला आएगा 1/2 ए बी साइन थीटा आएगा ओके, तो इस तरह से भी यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला ओके, क्या बोलते हैं हीरोंस फॉर्मूला ओके, ये कैसा होता है सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ओके, ट्रायंगल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ओनली साइड्स दिए हुए ए बी एंड सी ओके, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ है और ना इसके एंगल्स दिए हुए हैं ओके, सो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालिएगा इसका एरिया है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी ओके, ये क्या होगा पेरीमीटर ओके, पेरीमीटर का अगर 2 से डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो क्या हो जाएगा पी बाई 2 ओके, इसको क्या बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ओके, ये क्या हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ओके दोस्तों, ये एक्चुअली फॉर्मूला है आप इसको नोट करो, एक टर्मिनोलॉजी है इसको क्या बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओके दोस्तों, अगर आपको अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी ओके और एस माइनस सी ओके दोस्तों, ये इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं ओके, अगर कोई यहाँ पे पूछे कि इसका एरिया ऐसे कैसे आता है ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहूंगा ओके, एक कोसाइन रूल होता है ओके, सपोज अगर आपके पास एक थीटा है ओके यहाँ पे ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया हीरोंस फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा बताऊंगा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा है सपोज फॉर एग्जांपल एक थीटा है तो आपको पता है कि इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा ओके ओके, सो एक कोसाइन रूल होता है ओके, कोसाइन रूल क्या बोलता है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में 2ab, होपफुली आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे ओके, ये वेक्टर एडिशन से आता है, वेक्टर एडिशन बाद में मैं बताऊंगा क्या होता है ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मेमोराइज ही कर लो, ये काम ही आने वाला है आपका ओके, अब ये देखिए आप इसको अगर आप यहाँ पे साइन थीटा को लिखेंगे ओके, साइन थीटा को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ओके, ये पूरा टर्म को स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना होगा ओके, उसके बाद ये सारे टर्म को ये जो साइन थीटा का जगह इसको रिप्लेस करके और फिर इसको सिंप्लीफाई जब आप करिएगा ओके, जब यहाँ पे आप ऐसे लिखेगा ओके 1/2 ए बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में इसका स्क्वायर करके लिखना होगा ओके ओके दोस्तों, तो जो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको ऐसा आएगा ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है ऐसा होता है ओके, इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं ओके, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं ओके, सो एक एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं 180 डिग्री होते हैं, तो खैर वेल नोन फैक्ट है ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये क्या होता है एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं, तो तीनों एंगल अगर बराबर होंगे तो एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ए भी 60 ए भी 60 ओके दोस्तों, सो मैं इसका एरिया का फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कैसा होता है, सपोज अगर इसके सारे साइड्स क्या है ए है ए भी ये होगा और ए भी ये होगा ओके दोस्तों, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ओके, तो एक चीज एक प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है इसको मतलब बाइसेक्ट करेगा ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा ओके दोस्तों, ये हमारा हाइट हो जाएगा ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है लेकिन हम इसका एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एच का वैल्यू निकालेंगे, एच का वैल्यू हमारा क्या होगा एच हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं ओके पाइथागोरस थ्योरम ओके, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर ओके, सो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3 ए बाई 2 हो जाएगा, वो पुलिस आपको विजुअलाइज कर पा रहे हैं ओके, अब देखिए यहाँ पे एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ओके दोस्तों, यहाँ पे एरिया क्या होगा 1/2 बेस क्या है हमारा ए है, ए हमारा बेस है, हाइट क्या है एच है, एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 ए बाई 2 लिख सकते हैं ओके दोस्तों, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ओके, सो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ओके, ट्रायंगल है ओके, और इसके एंगल्स क्या है ए ए है
बी है और ये सी है, ओके। सो मान लीजिए कि अगर ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ओके दोस्तों, बीटा हो गया और ये गामा होगा, ओके। इसको अगर फर्दर यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, ओके, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, ओके। सो ये तो इंटीरियर एंगल्स है, ओके। इसको आप एक्सटेंड कर दिए, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है, ओके। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसको आप मान लीजिए कि थीटा ले लीजिए, ओके, इसको आप थीटा ले लीजिए, ओके। सो ये जो थीटा का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ओके। ये क्या बोलता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज बोलता है, ओके। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसा होता है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना, ओके दोस्तों, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ओके। एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, गामा प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल है तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ओके दोस्तों, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए ये 180 डिग्री की जगह में ये वाला हम रिप्लेस करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गामा प्लस थीटा लिख सकते हैं, ओके। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा ना हमें। अब इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत इसका डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ओके, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का अगर आप सम करोगे तो क्या होता है, 360 डिग्री होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ट्रेंगल है, ओके, ट्रेंगल है, ओके, ओके, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गामा, ओके। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है, ओके। जो एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को भी होगा, ओके, इसका क्या होता है, सम जो क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ओके दोस्तों। सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, दोस्तों अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ओके, क्वाड्रिलेटरल, ओके, तो इसको आप एक्सटेंड करिए इधर, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ओके, इसको एक्सटेंड करिए क्या हो जाएगा बीटा, ओके, इसको एक्सटेंड करिए, इसको आप मान लीजिए गामा मान लीजिए, और इसको आप फर्दर एक्सटेंड करिए आपका थीटा हो गया, ओके। सो यहाँ पर भी अल्फा प्लस थीटा प्लस गामा प्लस बीटा, ओके, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ओके। अगर आप पेंटागन लेते हैं, ओके, सपोज अगर आप पेंटागन लेते हैं, ओके, पेंटागन लेते हैं, इसका आप एक्सटेंड करिए, तो ये मान लीजिए एंगल ए बी सी डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ओके। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ओके। लेकिन अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला जाए, ओके, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये वाला होता है, ए क्या है इंटीरियर एंगल, ए क्या है इंटीरियर एंगल है, ओके। सो इन सबका सम क्या होता है, इन सबका सम होता है एन माइनस टू 180 डिग्री, ओके दोस्तों। एन क्या है, साइज है, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेंगल के केस में इनका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देख पा रहे होंगे कि इंटीरियर एंगल का सम ट्रेंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ओके। अब क्वाड्रिलेटरल के केस में चेक कर लीजिए आप, ओके, एन माइनस 2 एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 180 डिग्री से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 360 डिग्री, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो ट्रेंगल है, एक का 180 डिग्री हो गया और इसका भी 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे तीन ट्रेंगल होगा, ओके, सो 180 इंटू 3 हो जाएगा, 180 इंटू 3 हो जाएगा, ओके दोस्तों। और इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइड्स है 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ओके, सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 540 डिग्री, ओके। सो इस तरह से आप, ओके दोस्तों, सो ये वाला मैं बाकी पॉलीगॉन्स के लिए तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसा, 360 डिग्री कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, ओके दोस्तों। आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, ओके दोस्तों। एक और बात है यहाँ पे, 1 प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ओके, और 2 प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड 3 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ओके दोस्तों। अगर आप इन सबको एक साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा प्लस 2 प्लस गामा प्लस 3 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180। किसी को सबको समझ में आ रहा है, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप सबको सेपरेट करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 हो जाएगा, ओके दोस्तों, ओके। अब देखिए इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180। एक 180 एक 180 कट गया, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। सो होपली आपको समझ में आएगा दोस्तों, ओके। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।